बसमीम मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बी एस अकेडमी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो लेक्चर सीरीज़ का जो सिलसिला है वो जारी है और एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर रहे हैं हम तो आज हम इसका जो क्वेश्चन नंबर एट है जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसे डिस्कस करेंगे तो इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं और प्रूफ करने हैं तो पहला पार्ट उसका देखते हैं कहता है कि शो दैट डी एक्स ओवर एक्स स्क् माइनस ए स्क्वेयर शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क् माइनस ए स्क्र का स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स है लॉग नेचर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्र और प्लस सी ये हमने प्रूव करना है तो मैं अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो हमने ये बात की हुई है कि जब एक्स में से जो कांस्टेंट है वो माइनस हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम एक्स इज इक्वल्स ए सिकेंड थीटा पुट करेंगे और जब एक्स कांस्टेंट में से माइनस हो रहा हो तो तब हम एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा पुट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ हम क्या करते हैं लेट करेंगे एक्स इज इक्वल्स है हमारे पास ए सिकंड थीटा अगर एक्स इज इक्वल्स ए थीटा है तो डिफरेंशियल अप्लाई करने से ये डी एक्स इज एक हमारे पास क्या आएगा ए सिकंड थीटा टेन थीटा और डी थीटा तो ये जो दो मेरे पास वैल्यूज़ हैं इन्हें मैं क्या करूँगा यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दूँगा एक्स की जगह पे एक्न थीटा और डी एक्स की जगह पे एक्न थीटा टेन थीटा डी थीटा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से फंक्शन बन जाएगा अभी ए सिकन थीटा इंटू डी थीटा सॉरी ए सिकन थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा एक्स जाएगा ए सिकंड थीटा का स्केयर माइनस ए स्केर एज इट इज तो ये जो ए है इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ या चलें एक दफा इधर ही लिखा रहने देते हैं ए सिकन थीटा 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 का का तो ए सिकन थीटा टेन थीटा तो एस आ जाएगा ओवर यहां से ए स्केर मैं क्या करता हूं कॉमन ले लेता हूं ए स्केर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा स्केयर थीटा माइनस वन का स्केयर रूट तो अब मुझे ये पता है कि वन प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल है वन प्लस सिकंड स्केयर थीटा इसका मतलब अगर ये वन इधर आकर माइनस हो जाए तो सिकंड स्केयर थीटा माइनस वन स्केयर थीटा माइनस वन इज इक्वल होगा देन ट स्केर थीटा के तो मैं इस इसकेर थीटा माइनस वन की जगह पे थीटा बुक कर लेता हूँ जी तो ये आ रहा है ए थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर ए स्केर इंटू थीटा दोनों का जो जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसल होगा तो मेरे पास न्यूमिरेटर में तो वही आ रहा है a सिक्न थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर में आ जाएगा a टेन थीटा एक a जो है a से कैंसिल हो जाएगा और एक टेन थीटा जो है टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो अब यहाँ पे आ जाएगा सिक्न थीटा इनटू डी थीटा की इंटीग्रेशन अब ये सिकन थीटा इंटू डी थीटा हमने एग्ज़ाम्पल्स में इसकी इंटीग्रेशन जो है वो प्रूव की थी और मैंने आपको कहा भी था कि ये सिकंड थीटा की जो इंटीग्रेशन है और कॉसिकंड थीटा ये दो जो हैं पार्ट थे सेम ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में तो इसे आपने याद रखना था तो मैंने ये लिख देता हूँ दोबारा कि सिकंड थीटा डी थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है लॉग नेचर ऑफ सिकंड थीटा प्लस टें थीटा ठीक है प्लस सी तो आपने क्या करना है अगर इसे दोबारा आप इसी क्वेश्चन में प्रूव करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर डायरेक्ट लिखो तो भी ठीक है कोई मसला नहीं है तो इसमें आपने थीटा थीटा से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है और उसके बाद उसे आपने सिकेंड थीटा प्लस थीटा को लेट करना है तो आपके पास ये इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा तो डिटेल में आप वो एग्जाम्पल जो है लेक्चर वो देख लीजिएगा उसमें ये सॉल्व है जी तो ये मेरे पास इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ कि ये लॉग नेचर ऑफ सिकन थीटा प्लस टेन थीटा इसका जो है मेरे पास आंसर आ गया इसे मैं कोई सी वन कह देता हूँ अभी जी लॉग नेचर ऑफ सिकंड थीटा प्लस टेन थीटा आप देखते हो कि हमारे पास जो आंसर वो जो क्वेश्चन दिया था जो 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 फंक्शन दिया था वो एक्स की फॉर्म में था तो मुझे यहाँ थीटा की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करना पड़ेंगी तो अगर मैं थीटा की बजाय सिकंड थीटा को देखूं तो वो मेरे पास किसके इक्वल है वो यहाँ पे आप देखते हो एक्स मैं यहाँ लिखता हूँ एज एक्स इज इक्वल है ए सिकंड थीटा एक्स इज इक्वल सिकंड थीटा है तो सो एक्स ओवर ए मेरे पास क्या आएगा सिकंड थीटा के इक्वल सिकंड थीटा की तो मेरे पास वैल्यू जो है वो आ गई किस चीज़ की रह गई टेन थीटा की या थीटा की तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से टें थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो इसी को अगर आप देखो तो वन प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल है सिकंड स्केयर थीटा और सिकन स्केयर थीटा माइनस वन इज इक्वल है टेन स्केयर थीटा तो इसी को आप चाहे तो दोबारा लिखो या फिर इसी से आगे कर लो प्रोसीड तो सिकंड स्केयर थीटा माइनस वन की जगह उसकी वैल्यू सिक्ड थीटा की जगह आ जाएगा एक्स ओवर एक का स्केर माइनस वन आ जाएगा थीटा तो इसके ऊपर आ जाएगा फिर स्केयर रूट जी तो ये टें थीटा की वैल्यू है और ये यह थीटा की इसे मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास भाई इसमें पुट किया तो लॉन्ग नेचर ऑफ थीटा की जगह एक्स ओवर है प्लस टेन थीटा की जगह एक्स स्केयर ओवर है स्केयर एक्स स्क्र ओवर ए स्केयर माइनस वन का स्केयर रूट प्लस सी वन तो यहाँ आप क्या करते हो इसका एल्सियम कर लो अंदर लॉग नेचर ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्र माइनस ओवर में ए है तो ये टोटल के नीचे जब ए स्केयर जाएगा तो यहाँ भी फिर ए स्केयर आ जाएगा एल्सियम करने से और इसका स्केयर रूट प्लस सी वन तो लॉन्ग नेचर ऑफ एक्स ओवर ए प्लस इसका स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर ए बच गया और प्लस सी वन तो लॉन्ग नेचर ऑफ एक्स इसका एलसीएम करेंगे तो ए आ गया पूरे LCM, x plus x square minus a square का एलसीएम एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्केयर का स्केयर रूट प्लस सी वन तो आपको पता है कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों और कॉमन लॉग के साथ लिखे हों तो जब उनका सेपरेट लॉग करें तो वो माइनस uh, हो जाते हैं सप्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्यर का स्क्वायर रूट माइनस लॉग नेचर ऑफ़ ए प्लस सी वन तो अब जो लॉग नेचर ऑफ ए ए एक कांस्टेंट नंबर है ठीक है तो इसका मतलब लॉन्ग नेचर ऑफ ए भी एक क्या होगा कॉन्स्टेंट नंबर होगा तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे सी वन और जो लॉन्ग नेचर ऑफ ए दोनों constants अगर माइनस सब्जेक्ट हो रहे हैं तो एक कॉन्स्टेंट ही उससे आएगा तो मैं उसे इकट्ठा एक कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ लॉन्ग नेचर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी तो सी मैंने इन दोनों को मिला के जो है कॉन्स्टेंट रख लिया तो ये मेरे पास जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और हम कह देंगे प्रूव्ड और उसके बाद ये दोबारा जो इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी उसे आप लिख दो तो ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया तो इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं हाँ जी तो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ए स्केर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट इंटू डी एक्स इज इक्वल आपने प्रूफ करना है साइन स्केयर ए सॉरी ए स्केयर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर टू स्क्र रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र प्लस सी तो ये हमने प्रूव करना है तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं वो हमारे पास है जी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्केयर रूट इंटू डी एक्स तो सपोजिशन करते हैं लेट एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा क्योंकि वो वेरिएबल उस कांस्टेंट में से सब्रैक्ट हो रहा है तो देन हम कहेंगे डी एक्स इज इक्वल आ जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं जी तो ये आ जाएगा ए का स्क्र एज इट इज माइनस एक्स स्क्र की जगह पे ए साइन थीटा का स्केयर और इसका स्केयर रूट इन टू डी एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा डी थीटा तो ए स्केयर जो है आप देखते हो इसके ऊपर भी स्केयर आएगा तो ये कॉमन लिया अंदर बच गया वन माइनस साइन स्केयर थीटा का स्केयर रूट ए कॉस थीटा अब वन माइनस साइन स्केयर थीटा जो है अर थीटा प्लस साइंस केयर थीटा इज इक्वल्स वन माइनस होगा थीटा तो मैं इसकी जगह पे कॉसकेयर थीटा जो है वो पुट कर देता हूँ जी तो ये आ जाएगा ए स्केयर इन टू थीटा के ऊपर स्केयर रूट यहाँ डी थीटा आजगा इन टू ए थीटा डी थीटा इसका स्केयर जो है स्केयर से कैंसिल हो गया तो बचा ए को थीटा इन टू ए कॉस थीटा और साथ डी थीटा इसकी इंटीग्रेशन तो ए को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केर इन टू मैंने कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया कॉस जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्केर थीटा डी थीटा जी तो कॉज केयर थीटा जो है ये आपने देखा कि किसी का जो है डेरिवेटिव भी नहीं है और इसकी इंटीग्रेशन भी फिर लाजम बात है हमारे पास ऐसा सच नहीं है तो मैं क्या करता हूँ हमारी जो फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ हमने हाफ एंगल फार्मूलाज जो हैं हाफ़ एंगल आइडेंटिटीज़ वो पढ़ी हैं तो आप देखते हो कि कॉज थीटा ओवर टू as वी नो दैट Cos होता है cos का रूट तो मैं क्या करता हूं कि इसका लिख देता हूं cos over, इसका cos होगा फिर वन प्लस टू तो आप देखते हो कि इसका अगर एंगल इधर हाफ हो तो इधर उसका डबल होता है सो so, इसका मतलब ये हुआ कि कोज स्केर थीटा अगर मैं कहूँ यानी एंगल इधर हाफ है तो उधर फुल यानी वन बाई टू का डबल है वहाँ पे तो थीटा का वन का डबल वहाँ पे होगा तो वो आ जाएगा वन प्लस कोज टू थीटा ओवर टू तो कोज स्केर थीटा की जगह पे इस फंक्शन में मैं ये पुट करूँगा वन प्लस कोस टू थीटा ओवर टू तो ए स्केयर इंटू वन प्लस कोस टू थीटा ओवर टू तो इंटू डी थीटा तो टू जो है इसे कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकाला मैंने तो ए स्केयर ओवर टू अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कोज टू थीटा इंटू डी थीटा तो इंटीग्रेशन वन की अलग हो जाएगी कोज टू थीटा की अलग हो जाएगी तो ए स्केयर ओवर टू बाहर ही लिखा रहने देता हूँ तो इंटीग्रेशन आएगी ऑफ डी थीटा की प्लस इंटीग्रेशन आएगी कोज टू थीटा डी थीटा की अब अगर कोज टू थीटा इसके जो एंगल है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसका मतलब मैं इसकी जो इंटीग्रेशन है को रेशो वो यूज़ कर सकता हूँ साइन टू थीटा इसकी इंटीग्रेशन है तो वो यूज कर सकता हूँ इसका मतलब मैं ऐसे टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता हूँ तो ए स्केयर ओवर टू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा एज इट इज प्लस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा वन ओवर टू तो आ जाएगा कोज टू थीटा डी थीटा सॉरी कोज टू थीटा टू डी थीटा की इंटीग्रेशन ठीक है तो इसे आप एक स्टेप में भी कर सकते हो कि कोज टू थीटा की साइन टू थीटा ओवर टू लिख लो तो या फिर ऐसे कर लो जैसे आपकी मर्जी तो ये आ गया ए स्क्वायर ओवर टू अब आप देखो कि जो डी थीटा है उसकी इंटीग्रेशन आपके पास आती है थीटा प्लस वन ओवर टू इसकी इंटीग्रेशन साइन टू थीटा और साथ में क्या आ जाएगा प्लस सी ओके तो साइन टू थीटा जो है इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है डबल एंगल फॉर्मूला तो यह आएगा ए स्केर ओवर टू इन टू थीटा प्लस हाफ एज इट इज साइन टू थीटा की जगह पे टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी तो ये टू से टू जो हो गया कैंसर तो ये बच गया आपके पास ए स्केयर ओवर टू इन थीटा प्लस साइन थीटा अब जो कॉस थीटा है हाँ जी मैं इधर दोबारा लिख देता हूं कि जो कॉस थीटा है वो होगा वन माइनस साइन स्केयर थीटा का स्केयर रूट तो मैं क्या करता हूं की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो थीटा की जगह पे वैल्यू आ गई क्या वन माइनस प्लस सी अभी तक मैंने जो काम किया सब्स्टिट्यूशन की सब्स्टिट्यूशन के बाद कॉस्केर थीटा जो जनरेट हुआ उसकी जगह पे हाफ एंगल यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू पुट की फिर उसकी जो है इंटीग्रेशन की और फिर साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला है उसे एक्सपेंड करके लिखा और कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू वन माइनस साइन स्केयर थीटा का स्केयर रूट पुट की ये ऐसा क्यों किया अभी आपको जो है मैं इसकी जो रीज़न है वो बता दूंगा जी तो हम देखते हैं कि जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था वो एक्स की फॉर्म में था तो हमें अब थीटा और साइन थीटा इसमें से खत्म करना होगा ठीक है तो यहां थीटा पैदा हो रहा था तो उसे भी खत्म करना था तो उस वजह से उसे मैंने पहले क्या किया साइन थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस किया अब जो हमने सपोजिशन की है कि एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा एज एक्स इज इक्वल है ए साइन थीटा।, थीटा तो इसका ये मतलब है कि x ओवर a इज इक्व है साइन थीटा और इसका ये मतलब है कि थीटा इज इक्वज है साइन इनवर्स x ओवर a तो थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x ओवर a और साइन थीटा की जगह पे x ओवर a तो ये मैं इस, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता हूं वैल्यूज को तो ये आ जाएगा ए स्केयर ओवर टू इन टू थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस साइन थीटा की जगह एक्स ओवर ए स्केयर रूट वन माइनस साइन स्केयर थीटा की जगह भी एक्स ओवर ए का स्केयर और प्लस सी तो ए स्केयर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए टू ये एक्स ओवर ए था सॉरी तो वन माइनस एक्स ओवर ए इसका आप वो एलसीएम कर लो तो ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क् ओवर ए का स्क्र और ये स्केर दोनों के ऊपर आएगा न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर पे प्लस सी तो इस ए स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्केयर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक स्केयर सॉरी ए स्केयर ओवर टू इन एक्स ओवर ए स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर का जो स्केयर रूट है स्केयर का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो वो खाली ए बच गया और प्लस सी ए के से एक ए कैंसल और फिर ए से ए भी कैंसिल, तो फाइनल मेरे पास ये रिजल्ट आ गया ए स्केयर ओवर टू साइन इन एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर टू ए स्केयर माइनस एक्स सी और ये जो है मेरे पास ए स्केर ओवर टू साइन ए जी तो ये मेरी जो राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल आ गया और मैं कह दूंगा प्रूव्ड कि हमने ये चीज जो है वो साबित कर दी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है ये अपने अगसाम को पहुंचा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर नाइन से स्टार्ट करेंगे तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़